हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बिडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, ये है ऑल न्यू 2022 टाटा पंच का टॉप एंड वेरिएंट क्रिएटिव एएमटी, जो कि एसेसरीज के साथ पेश है। दोस्तों, एक एक प्राइस बताने वाला हूँ एसेसरीज का, बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। रिसेंटली टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसेस डिक्रीज कर दिए गए थे 10,000, और इस वेरिएंट की प्राइस जाती है 8.99 लाख एक्सोर प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 10.05 लाख। और इस मिनी एसयूवी की जनवरी में काफ़ी अच्छी खासी सेल्स हुई है, और सेल्स फिगर गई है 10,027 यूनिट। और वहीं हम इसके डिज़ाइन डायनेमिक्स की बात करें तो काफ़ी बोल्ड, एग्रेसिव और रगेड फील होता है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर आपको दिया गया टाटा का लोगो। वहीं हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको टाटा हैरियर की तरह ही एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है। ह्यूमैनिटी लाइन दिया गया है क्रोम गार्निश में। नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन, और जस्ट इसके नीचे क्रोम गार्निश में आपको फॉग लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। क्रोम गार्निश में ह्यूमैनिटी लाइन प्रोवाइड किया गया है। नीचे एडम ब्लैक कलर में ट्राई एरोसेफ डिजाइन, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्किड प्लेट आपको ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आइजन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रंट स्किड प्लेट सिल्वर गार्निश में, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 3,600 रुपीज। और फॉग लैम्प में क्रोम गार्निश की कॉस्टिंग आती है 800 रुपीज। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसके साइड प्रोफाइल में बहुत ही शानदार 16 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है। व्हील साइज है 195/60R16। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसमें ORBM ड्यूल टोन एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। रूफ रेल फ्रंट में आपको एंटीना प्रोवाइड किया गया है, और इसके ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। रेन सेंसिंग वाइपर आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता है, और ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। रियर में फ्लोटिंग रूफ डिजाइन, और इसके ग्रैब हैंडल आपको फ्रंट में बॉडी कलर रियर में टाटा अल्ट्रोस से रिजेंबल करता हुआ दिया गया है। डोर्स पे आपको मिलता है मोल्डिंग प्रोटेक्शन के। डाइमेंशंस के अकॉर्डिंग टाटा पंच का लेंथ 3827 mm, विड्थ 1742 mm, हाइट 1615 mm, व्हील बेस 2445 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm, बूट स्पेस 366 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है 37 लीटर्स। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाला है। काफी अमेजिंग इसका डिजाइन रियर प्रोफाइल का, और यहाँ भी आपको काफ़ी एसेसरीज देखने को मिलेगा। और सबसे ऊपर आपको दिया गया है इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर, और बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एलईडी टेल लैम्प यूनिट, जो कि ट्राई एरोसेफ डिज़ाइन दिया गया है। और टेल गेट के बीचों बीच टाटा का लोगो, जस्ट उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, और टेल गेट के बीचों बीच क्रोम गार्निश दिया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो कि एजन एसेसरी के तौर पे आप लगवा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 1600 रुपीज। जस्ट उसके नीचे पंच की ब्रांडिंग, दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं क्रोम गार्निश में, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है एजन एसेसरी के तौर पे 800 रुपीज। नीचे रियर स्किड प्लेट दिया गया है, जिसकी कॉस्टिंग आपको 3500 पड़ती है। दोस्तों, बहुत ही शानदार इसका रियर बम्पर, और यहाँ पे ट्राई एरोसेफ डिजाइन दिया गया है रिफ्लेक्टर्स के पास में। रियर बम्पर पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल कराए गए हैं, और इसके क्रोम गार्निश जो कि टेल गेट पे दिया गया है, और रिफ्लेक्टर्स के ऊपर क्रोम गार्निश, स्किड प्लेट सिल्वर कलर में, इसके रियर प्रोफाइल को काफी हद तक एनहांस कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं डोर एज गार्ड, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश और सिल्वर फिनिश में दिया गया है, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 300 रुपीज। कीलेस एंट्री आपको प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट डोर 90 डिग्री ओपन हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल, 1 लीटर का बोटो होल्ड, अम्ब्रेला होल्डर, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर आपको इसमें मिलते हैं। और कुछ इस तरह का इंटीरियर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है। लेदर अपोस्टी एज एन एसेसरी के तौर पे बकेट फिटिंग करा सकते हैं, 8,500 की कॉस्टिंग पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ब्लू इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी एनहांस कर रहे हैं इसके इंटीरियर को। काफ़ी अच्छी खासी लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके सीट कवर के ब्लू इंसर्ट्स और डैशबोर्ड लेआउट के ब्लू इंसर्ट, जो कि एसी विंड पे दिए गए हैं, काफ़ी एनहांस कर रहे हैं इसके लुक को। ट्राई टोन में डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, काफी हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है यहाँ पे। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। रियर सीट को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही एम्बिएंट लुक आ रहा है यहाँ पे।
चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं बाकी फीचर्स की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेंटर कंसोल में दिए गए फीचर्स की। यहाँ पे स्टोरेजेस कुछ इस तरह के मिलते हैं, 2 कप होल्डर के साथ क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 12 वोल्ट का चार्जर, यहाँ पे कॉइन रखने के लिए स्पेस दिया गया है। इसके अलावा 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और जैसे कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसमें मिलते हैं 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन कुछ इस तरह का, बहुत ही शानदार गियर नोब। जस्ट उसके आगे आपको स्टोरेजेस प्रोवाइड किया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे भी दिया गया है, USB पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। की दिखा देता हूँ, इसका टॉप एंड वेरिएंट में कुछ इस तरह का आपको की मिलते हैं, बहुत ही शानदार, जिसमें लॉक अनलॉक लाइट का फंक्शन दिया गया है, बूट ओपनर का फंक्शन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन यहाँ पे कुछ इस तरह का, ब्लू इंसर्ट्स में AC वेंट, 7 इंच का हार्मन का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, और यहाँ पे सेमी डिजिटल आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है। 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल, और फ्लैट बॉटम दिया गया है लेदर रैप्ड में। इसके साथ ही लार्ज ग्लोव बॉक्स टैबलेट ट्रे के साथ जो कि कूल्ड ग्लोव बॉक्स है टॉप एंड वेरिएंट में, काफी अच्छी खासी स्टोरेज। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है, ड्राइवर साइड नहीं किया गया है, और बीच में आपको दिया गया है कैबिन लाइट, डे नाइट IRVM प्रोवाइड किया गया है। रियर सीट में आपको कुछ इस तरह का लेदर अपोस्ट्री एज एन एसेसरी के तौर पे, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, पॉकेट फिटिंग ये सीट है, काफी एनहांस कर रहे हैं इसके इंटीरियर को, खासकर इसके ब्लू इंसर्ट्स। पार्सल ट्रे पहले से आता है, बीच में आर्मरेस्ट भी आता है, और कुछ इस तरह का यहाँ पे लुक इसका। और इसके बूट स्पेस में आपको मिलता है 366 लीटर का बूट स्पेस। रियर सीट फ्लैट फोल्ड हो जाते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं आप बूट स्पेस को। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील टूल किट के साथ कुछ इस तरह, जो कि स्टील व्हील दिया गया है, और साथ ही आपको यहां पे टूल किट के साथ यहां पे दिया गया है टायर पंक्चर किट जो कि टाटा की सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड आ रहे हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच में इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रैबर्टॉन पेट्रोल इंजन जो कि डायनाप्रो टेक्नोलॉजी से लैस है। और पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 85 BHP पावर 6000 RPM पे एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 3300 RPM पे। ट्रांसमिशन आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन, और कंपनी क्लेम करती है 18.82 km/h की माइलेज। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो टाटा पंच को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसके टॉप एंड वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS विद BD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट डिस्टर्ब बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट IRVM, प्रीटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, टायर पंक्चर किट, फॉलो मी होम हेडलैम्प, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ब्रेक स्वे कंट्रोल जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों ऑल न्यू 2022 टाटा पंच के टॉप एंड वेरिएंट एसेसरीज के साथ। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।